हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बर तिवारी। और चलिए आइए दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये सुबह 6 बज रहे हैं और आपको ये करंट अफेयर की क्लास मिल रही है मेरे दोस्तों। सुबह 6 बजे आपको ये करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। हम क्लास शुरू कर उससे पहले आप सभी के द्वारा बार बार क्लास टाइमिंग पूछी जा रही थी। ऑल दो मैंने आपको लाइव क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्लास टाइमिंग्स अपनी। कि हमारी जो क्लास टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, जो कि ये मिल रही है आपको। सुबह 11 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिला करेगी। रात को 8 बजे लेबर लॉ, अकाउंटिंग और इकोनॉमी, इनकी आपको अल्टरनेट क्लासेस मिलेंगी। और वैसे ही रात को 11 बजे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी और मैथ्स की आपको अल्टरनेट क्लासेस मिला करेंगी। तो चलिए आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज है 13 मार्च, 13 मार्च 2020 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 13 मार्च में पहला है कि COVID, ये कोरोना वायरस के लिए कोड दिया हुआ है। तो कोरोना वायरस से तेज़ी से निपटने के लिए जारी किया गया एक थेरापोटिक एक्सेलरेटर फंड है। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा फंड बनाया गया है जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके, और कोरोना वायरस से आने वाली परेशानियों से या उसके ट्रीटमेंट के लिए निपटा जा सके। बेसिकली थेरापोटिक रखा गया है, तो इससे आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि ये थेरेपी के लिए यूज़ किया गया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है ना। और ये फंड किसने बनाया है? तो ये फंड बनाया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम एंड मास्टर्स के द्वारा इस फंड को क्रिएट किया गया। और इस फंड का नाम क्या रखा गया है? थेरेप्योटिक्स एक्सेलरेटर। इसका काम क्या होगा कि जो थेरेपीज है उनको एक्सेलरेट कर सके, फंड की कमी से जो थेरेपीज या जो दवाइयों का इन्वेंशन है वो नहीं हो पा रहा है, वो हो सके। तो थेरेपिस्टिक एक्सेलरेटर जो है वो फंड जो है वो इनके द्वारा बनाया गया है। और ये जो फंड है, ये फंड कितना है? $125 मिलियन का ये फंड है। और जो महामारी कोरोना वायरस की जो महामारी फैल रही है, इसकी प्रौद्योगिकियों में तेज़ी लाने के लिए $150 मिलियन का ये जो ये फंड है ये बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोरोना से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अब एक्चुअल में ये कोरोना क्या है, ठीक है? कोरोना COVID थेरापोटिक एक्सेलरेटर फंड क्या है? तो चलिए, हम सभी को बताएं कि जो कोरोना वायरस है, अब फिलहाल में एक महामारी के रूप में फैल चुका है और इसे महामारी घोषित कर दिया जा चुका है। अब दोस्तों, कोरोना वायरस की बीमारी को महामारी जो है वो घोषित कर दिया गया है। और इस रोग की पहचान के लिए, जांच के लिए और विकास स्तर के लिए, जितने भी उपचार के लिए जितने भी उपकरण या दवाइयां हैं, है ना, उनको बनाए जाने के लिए इस फंड को क्या किया गया है? ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इस फंड का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा? इस फंड का जो उपयोग होगा वो दवाइयों को बनाने में, ठीक है, R&D में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रौद्योगिकी के विकास में जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने में काम आए, ऐसी सभी चीज़ों में इस फंड का जो है वो उपयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो हमारी है कि गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला बनी है टेलर स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, टेलर स्विफ्ट जो है वो गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला बन गई हैं। और हम सभी को पता है कि 8 मार्च को हमने क्या मनाया था? विश्व महिला दिवस मनाया था। तो विश्व महिला दिवस के अवसर पर इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिलाओं की सूची का डेटा साझा किया गया। और इसमें जानकारी जो मिली, उस जानकारी के अनुसार टेलर स्विफ्ट को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट जो है वो संगीत की, हम सभी को पता है कि गायिका है टेलर स्विफ्ट, ठीक है, तो उन्हें उस श्रेणी में पहला स्थान मिला है, ठीक है। इसके साथ ही अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जैसे गेम्स की, हास्य की, उपन्यास की, अलग अलग रैंकिंग बनाई गई और अलग अलग रैंकिंग में अलग अलग लोगों ने टॉप किया हुआ है। तो गूगल की बात करें, चूंकि ये जो डेटा है वो गूगल सर्च इंजन के द्वारा दिया गया है, तो गूगल पर की बात करें तो गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हुए बायजूस रविंद्र और गौरव गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो यंग लीडर्स की एक सूची बनाता है, जिसमें वो सारे नौजवान लोगों को लिया जाता है, उनकी सूची बनाई जाती है, जिनका कि विश्व स्तर पर एक, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने काम से एक छाप छोड़ी होती है, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्र से लोग हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से हों, चाहे वो राजनीति से हों, चाहे वो
और शिक्षा के क्षेत्र से हो या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जिन्होंने पूरे विश्व पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी हो, पहचान छोड़ी हो, ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है। तो बायजूस के जो संस्थापक हैं रविंद्र, और जोमेटो के जो सह संस्थापक है गौरव गुप्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भारत से बायजूस के संस्थापक रविंद्र और गौरव गुप्ता, जो कि जोमेटो के सह संस्थापक हैं, है ना, तो चूंकि पांच भारतीय जो हैं, पांच भारतीय इस सूची में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये निकाली यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची, इसमें पांच भारतीयों के नाम है, और इन पांच में से दो कौन कौन से हैं, वायजूस रविंद्र जो कि वायजूस के संस्थापक हैं, और गौरव गुप्ता जो कि जोमेटो के सह संस्थापक हैं, इनका नाम लिया गया है। ठीक है, इसमें 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची बनाई गई थी। ठीक है, और 2015 में बायजूस को लॉन्च करने वाले रविंद्र, ये खुद भी एक पेशे से जो कि क्या है, एक शिक्षक हैं। ठीक है, और जोमेटो, जी हाँ दोस्तों, जोमेटो के बनाने वाले कौन थे, स्टार्टअप रहा है जिनका नाम है गौरव गुप्ता। तो इन दोनों को क्या किया गया, इस सूची में शामिल किया गया है। अन्य तीन भारतीय कौन है, जरा ये भी समझ लीजिए। तो तारा सिंह वाचनी जो कि अंतरा सीनियर लिविंग की सीईओ हैं, ठीक है, एक तो इनका नाम है। ठीक है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो वाचानी है, वाचानी की जो कंपनी अंतरा सीनियर लिविंग कंपनी, ये क्या करती है, वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर, उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है, और इस यह एक बहुत बड़ा भारतीय उद्यम है जो कि बन चुका है। अन्य नाम क्या है, विनती मुत्रेजा। विनती मुत्रेजा कौन है, ये प्रबंधक निदेशक तथा सीईओ है किनकी, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। तो जो मुत्रेजा है, मुत्रेजा की अगुवाई में जो ऑर्गेनिक्स है, रसायन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है इनकी कंपनी, और इन्हें इस कंपनी के लीडरशिप के लिए इस सूची में शामिल किया गया। और जो अगला नाम है वो कौन है, स्वपन मेहरा। तो स्वपन मेहरा जो है ये सीईओ हैं एओरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के, ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये पाँचों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो नाम है वायजूस रजेंद्र जो कि वायजूस के संस्थापक हैं, गौरव गुप्ता जो कि जोमेटो के सह संस्थापक हैं, इसके अलावा तारा सिंह वाचनी जो कि अंतरा सीनियर लिविंग की सीईओ हैं, और विनीत मुत्रेजा जो कि प्रबंधक निदेशक हैं विनीत ऑर्गेनिक्स के, और स्वपन मेहरा जो कि सीईओ हैं एओरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के। इन पांचों को 115 सदस्यों की जो सूची है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाई गई है यंग ग्लोबल लीडर्स की, उसमें स्थान दिया गया है। काफ़ी गर्व की बात है भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच में जो युवा वैश्विक नेताओं की सूची है यह क्या है, जरा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विश्व आर्थिक मंच है यह जनेवा में स्थित है, और जनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, जनेवा में स्थित है, और जनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच क्या होता है, विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, और इसके द्वारा एक सूची जारी की जाती है, और इस सूची में बदलाव लाने वाले जो यंग लोग होते हैं उनकी उनकी एक अलग सूची बनाती है। और इसमें क्या किया जाता है, लगभग 52 देश, 52 तो नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे देशों का यहाँ पर डेटा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 115 व्यक्तियों को लिया गया है। ठीक है, 52 देशों में, जी हाँ दोस्तों, 52 देशों के 115 लोगों को लिया गया है जिन्होंने कि काफ़ी अच्छा काम किया और अपनी विश्व स्तर पर अपनी क्या छोड़ी, एक छाप छोड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो इसका मुख्यालय कोलोन जिनोवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्रॉप थे, ये संस्थापक आपको याद रखने हैं। मैंने संस्थापक अब यहाँ पर इसलिए जोड़ना चालू कर दिए दोस्तों, और कब इसका जो स्थापना हुई थी, ये देखिए अब तक मैं इनको नहीं जोड़ता था, लेकिन अब जोड़ने के पीछे कारण यह है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पर ईपीएफओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो इस वीडियो को भी देखते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें जोड़ना चालू कर दी। क्यों, क्योंकि जो यूपीएससी है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, डेटा को खोद कर पूछती है। ठीक है, तो वो आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो यूपीएससी में आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कवर करके चलनी पड़ेगी, तो उस लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्रॉब हैं, प्लीज़ आप इन्हें नोट करते चले, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक बैरंगे ब्रांडे हैं, और विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1971 में हुई थी, जनवरी 1971 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आंध्र सरकार ने निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है NIGHA ऐप, निग्घा ऐप जो है वो लॉन्च करी है। तो निग्घा ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई है,
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निग्घा ऐप को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगमोहन रेड्डी जी, वाईएस जगमोहन रेड्डी जी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो स्थानीय चुनाव होने वाले वहाँ पर, तो स्थानीय चुनाव को साफ तरीके से कराने के लिए, अच्छे तरीके से कराने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से कराने के लिए निग्घा ऐप को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि आचार संहिता क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है। दोस्तों हमने सभी ने सुना होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, ठीक है। तो आचार संहिता के समय, आचार संहिता जो लगती है आमतौर पर, इसे हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नियम और निर्देश जारी किए गए, एक्चुअल का मैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह एक सेट है नियम तथा निर्देशों का। यह क्या है, एक सेट है नियम और निर्देशों का जिसमें चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के चुनाव के दौरान मुख्य रूप से भाषण, मतदान के दिनों में मतदान केंद्र, विभागों, चुनाव घोषणा पत्र, रैलियों आदि में आचरण के संबंध में एक सूची जारी की जाती है, एक नियम जारी किए जाते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए होता है, ठीक है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब एक तरह से ये प्रोटोकॉल्स हैं कि जब चुनाव का समय चल रहा होगा कि आप तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन चीज़ों का आपको पालन करना है। आगे बढ़ते हैं, चूँकि आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और हैदराबाद की राजधानी, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या हैदराबाद है। और वहीं हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के जेएस ढिल्लो को डीआईए ने डीजी और डीसीआईडीएस की उप प्रमुख पद का कार्यभार संभाला है। किसको, लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो को, इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के ढिल्लो, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डीआईए क्या है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। क्या चुना गया है इन्हें, नया महानिदेशक चुना गया है, एवं इनको इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, आईडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है, ठीक है, इसका डिप्टी चीफ बनाया गया। तो इनके पास अब दो महत्वपूर्ण पद आ गए, एक तो इनके पास डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ये महानिदेशक बन गए हैं, साथ ही इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ये डिप्टी चीफ बना दिए गए हैं। तो डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और आईडीएस यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम में इसकी पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़रा कुछ डीप इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ के बारे में पता होना चाहिए कि जो डीआईए है और डीसीआईडीएस है, ये तीनों सशस्त्र बलों के तकनीक और मानवीय खुफिया तंत्र का जिम्मा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं, जो डीआईए होता है और डीसीआईडीसीएस होते हैं, ये तीनों सशस्त्र सेनाओं की तकनीकी और मानवीय खुफिया तंत्र का जिम्मा इनके हाथ में होता है। डीआईए का गठन 1999 में किया गया था, ठीक है। डीआईए का गठन कब किया गया था, 1999 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साथ में याद होनी चाहिए कि जो हमारे 28वें सेनाध्यक्ष हैं वे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो बना है, नई पोस्ट सीडीएस, नई पोस्ट बनी तो इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो सीडीएस के जो स्टाफ, सीडीएस जो है हमारे, वो बिपिन रावत जी है। और भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारतीय वायुसेना के, सॉरी भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीओवीआईडी-19 को महामारी घोषित कर दिया है, ठीक है। दोस्तों तो कोरोना वायरस बहुत तेज गति से फैल रहा है, ठीक है। जैसे चीन ने अपने बहुत सारे जो शहर हैं इनको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है, इसी तरह से इटली ने अपना, इटली को पूरा का पूरा लॉकडाउन किया जा चुका है। तो ये काफ़ी तेज़ गति से फैलने वाली एक बीमारी बन गई है, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्तर पर फैल रही है और
जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे यहाँ पर, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में अवेयर ज़रूर करें। थोड़ी सी साफ़ सफाई से, थोड़ी सी जानकारी से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आपको हाथ काफ़ी अच्छे तरीके से धोने हैं, मुंह नाक और आँख को हाथ नहीं लगाना है, गंदे नाक। ठीक है, तीसरी चीज़ बाहर के, प्लीज़ 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 मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर के जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड आइटम्स के अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन सभी को आप अवॉइड करके चलें। तीसरी चीज़ जो आप सभी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप लोग थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो अपने आसपास के लोगों में फैलाएं। एक टारगेट बना लें कि सब लोग कम से कम 5 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सीवियर नोट पर देते रहे, सीरियसली उनको पिंच करते रहे। ठीक है, इस चैनल पर 20,000 लोग से ज़्यादा हैं, और यदि 20,000 के 20,000 में से प्रत्येक आदमी 5 लोगों को भी अच्छे से अवेयर करेगा तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर चुका है। वहाँ जो कोरोना वायरस है ये 100 से अधिक देशों में फैल चुका है, 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। ठीक है, इस वजह से इसको आधिकारिक महामारी घोषित कर दिया गया है। और WHO के अनुसार यह चीन के युवान शहर से उत्पन्न हुआ है और यह वायरस अब दुनिया भर में फैल चुका है, और ये इससे लगभग 1,13,000 लोग जो है वो संक्रमित हैं। ठीक है, यह कल तक का डेटा था, हो सकता है आज ये डेटा बढ़ चुका हो। तो 1,13,000 से ज़्यादा लोग जो है वो संक्रमित हैं और लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस वजह से इसे महामारी घोषित अब किया जा चुका है, और यह बहुत तेज़ गति से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैल रही है और लोगों को प्रभावित कर रही है। तो महामारी क्या होती है, किस आधार पर किसी एक बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है? तो देखिए, महामारी घोषित तब किया जाता है जब कोई एक बीमारी बहुत तेज़ गति से पूरी दुनिया में फैलने लगे, ठीक है, और उसका नियंत्रण करना, उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो। तीसरी चीज़, उसकी दवाइयाँ उपलब्ध ना हो और उसकी दवाइयाँ बनाने में मुश्किल आ रही हो। तो ऐसी स्थितियों में जो बीमारी होती है उसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि WHO की बात चल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो ट्रेडोस एडवानन में। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए देना चाहता हूँ, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी और WHO के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, जय बांग्ला होगा बांग्लादेश का नारा, जय बांग्ला होगा बांग्लादेश का नारा इंटरनेशनल अफेयर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, UPSC EPFO के लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जय बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाने का आदेश दिया है। ठीक है, और इसके द्वारा अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं वो स्कूल में असेंबली के बाद, स्कूल में जो असेंबली होती है, प्रार्थना सभा बोलते हैं हम, जैसे प्रार्थना सभा के बाद इस नारे को लगाएंगे। जैसे हम सभी सॉरी जैसे कि हम सभी बचपन में स्कूल में प्रार्थना के बाद, अपनी असेंबली के बाद नारे लगाते हैं, उसी तरह से जब नारा लगाया जाएगा तो ये नारा यहाँ पर बांग्लादेश के स्कूलों में लगाया जाएगा। और यदि किसी भाषण होता है किसी राजनेता का, तो उस भाषण के बाद भी जय बांग्ला का नारा जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, अब जय बांग्ला ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिनेशन आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यदि मैं बोलूँ तो। जो जय बांग्ला है वो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध में बांग्लादेश का ये नारा था। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जो युद्ध हुआ था उस समय ये बांग्लादेश का क्या था, नारा था। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने अपने कई भाषणों में इसका उपयोग भी किया है। ठीक है, बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी शेख हसीना है, और यहाँ इसकी राजधानी ढाका है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो टका है। ठीक है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा वाली कहानी हमने सुनी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही टका यहाँ पर इसकी जो है क्या करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोन पे ने UPI की लेन देन की सुविधा के लिए ICICI बैंकों के साथ साझेदारी की, ये क्यों करना पड़ा इसको जरा हम समझते हैं। हम सभी को पता है कि यस बैंक क्राइसिस चल रहा है अभी, ठीक
ठीक है दोस्तों, यस बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये यस बैंक क्राइसिस जो चल रहा है, तो पहले जो फ़ोन पे की साझेदारी थी वह किसके साथ थी? यस बैंक के साथ थी। ठीक है, मतलब फ़ोन पे का जो ट्रांजेक्शन होता था वो यस बैंक के चैनल के थ्रू होता था। लेकिन यस बैंक में क्या हुआ है, घोटाले की वजह से सरकार ने अभी यस बैंक में यूपीआई ट्रांसफ़र और ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन्स को बंद कर दिया गया था। उस वजह से फ़ोन पे की जो वो यूपीआई सेवाएं थी वो बाधित हो गई थी। अब देखिए, यस बैंक का भविष्य तो अनिश्चित है अब। ठीक है, तो अब फ़ोन पे क्या करना चाहिए कि फ़ोन पे को तो एक लेकिन बहुत तेज़ गति से बढ़ती हुई एप्लीकेशन है, तो उसे तो एक ऐसा पार्टनर चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने भविष्य को आगे ले जाने के लिए। तो यूपी इन्होंने क्या किया है, अब यस बैंक की जगह आईसीआईसीआई के साथ ये पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, तो अब आईसीआईसीआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू, चैनल के थ्रू, जो पे फोन पे ऐप होगी उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें इस एप्लीकेशन की, तो जो फ़ोन पे का मूल संगठन है वो फ्लिपकार्ट है। मतलब इस फ्लिपकार्ट जो है इसकी पेरेंट कंपनी है, फ़ोन पे की पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। और फ़ोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी, और फ़ोन पे के सीईओ जो है वो समीर निगम है, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है जो कि कर्नाटका की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मनाया गया फगली फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, फगली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यागपा गांव में, नाम याद रखना है आपको, यागपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया। ठीक है, यह काफ़ी पुराना उत्सव है जो कि वह मनाया जाता है, और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, और यह बसंत मौसम के शुरू होने पर मनाया जाता है। बसंत मौसम को चिन्हित करता है, बसंत के आगमन को जो है वो चिन्हित करता है। इस महोत्सव में होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो अपने चेहरे पर मुखौटे लगाकर और अपनी पारंपरिक पोशाक को पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, जबकि सैकड़ों स्थानीय लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। खैर, ये तो बात हो गई। अगला, बुराई पर अच्छा है कि जी। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और पिन घाटी उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो ज़रूरी होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ में देता जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा बैकअप बना के चलेंगे, जितना ज़्यादा बेस बना के चलेंगे, आप सभी के लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, गूगल इंडिया ने महिलाओं को कौशल विकास शुरू करने के लिए डिजी पिवोट कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। तो डिजी पिवोट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। तो गूगल इंडिया ने महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम डिजी पिवोट का क्या किया है, शुभारंभ किया है। और ये कार्यक्रम किन महिलाओं को फ़ायदा देगा? उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो ब्रेक के बाद अपने कॉरपोरेट करियर में वापस आने की कोशिश कर रही हैं। मतलब वो महिलाएं जिन्होंने किसी भी वजह से अपने कॉरपोरेट करियर में ब्रेक ले लिया था। ब्रेक लेने का मतलब क्या होता है, जैसे उन्हें मैटरनिटी थी या कुछ और फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और अब वो पुनः जॉब को कंटिन्यू करना चाहती, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती हैं, तो उनके सामने समस्या होगी कि उनके पास वो नॉलेज नहीं होगा या वो स्किल सेट हो सकता है कमज़ोर हो गया हो, है ना। तो उन सभी चीज़ों को वापस दिलाने के लिए, उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। तो डिजी पिवोट योजना गूगल इंडिया ने शुरू की है महिलाओं को कौशल विकास देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि इसमें ये जो प्रोग्राम है ये किसके साथ शुरू होगा? ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा, और इसमें 200 पेशेवर महिलाओं को फिर से कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा पहली फेज में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, ब्रांडिंग, सेल्स और सपोर्ट में 4 से 10 वर्षों का अनुभव रखने वाली महिलाओं को अपनी नौकरी में वापस जाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो महिलाएं चयनित होगी उन्हें 18 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में होगी। तो बेसिकली अभी कौन सी महिलाएं हैं जो पात्रता रखेंगी? तो सिर्फ वो महिलाएं पात्रता रखेंगी जिनको 4 से 10 वर्षों का अनुभव होगा, वो भी किस में? कंसल्टिंग, एनालिटिक, ब्रांडिंग, सेल्स और सपोर्ट में। और इसमें जो ट्रेनिंग होगी वो 18 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर होगी। तो एक बार जल्दी समय से समअप कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, कि जो डिजी पिवोट है ये गूगल इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि उन महिलाओं के लिए प्रोवाइड किया जाएगा जो अपने कॉरपोरेट करियर में वापस आना चाहती है, अपनी जॉब को वापस पाना चाहती हैं। ठीक है,
और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ चालू होगा? ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कोलैबोरेशन के साथ चालू होगा, और इसके पहले चरण में 200 पेशेवर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और इसमें पात्रता कौन सी महिलाएं रखेंगी? इसमें पात्रता वो महिलाएं रखेंगी जिन्हें 4 से 10 वर्षों का अनुभव होगा, और अनुभव किस फील्ड का होना चाहिए? कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, ब्रांडिंग या सेल्स और सपोर्ट का होना चाहिए। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी 18 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यह ट्रेनिंग कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 13 मार्च 2020 का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगली क्लास आपको सुबह 11 बजे भी मिल जाएगी। थैंक यू।